विश्व की योग राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित गंगा नदी के किनारे बसा पौराणिक आध्यात्मिक धार्मिक और पर्यटक नगर ऋषिकेश देवभूमि उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून से लगभग 43 किलोमीटर की दूरी पर और हरिद्वार से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह है उत्तराखंड राज्य का एम्स मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल। यहाँ से मुनि की रेति पार्किंग लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। नमस्कार, पॉपकॉर्न ट्रिप में आपका स्वागत है ऋषिकेश से। इस वीडियो में आप जानेंगे ऋषिकेश शहर को, यहाँ का इतिहास, यहाँ के दर्शनीय स्थल, यहाँ कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं, कैसे यहाँ पहुँचें, कहाँ ठहरें और साथ में वो सब कुछ जिससे आपकी ऋषिकेश यात्रा बने आसान और यादगार। पॉपकॉर्न ट्रिप में हम लाते हैं अलग अलग स्थानों और रोड ट्रिप से जुड़ी ऐसी जानकारियाँ जो आपके सफ़र को बनाती हैं आसान और मंजिल को आप जाने संपूर्ण तरीके से, जिससे आपके मंजिल पर पहुँचने के बाद कोई भी स्थान देखने से रह ना जाए। तो बने रहिए वीडियो में और आनंद उठाइए इस खूबसूरत दुनिया का। समुद्र तल से 372 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित ऋषिकेश भारत के पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह स्थान योग, ध्यान, आध्यात्म, शिक्षा, संस्कृति के अलावा कई अन्य साहसिक और मनोरंजक गतिविधियों जैसे रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग आदि के लिए भी जाना जाता है। यह है मुनि की रीति की कार पार्किंग। कार पार्किंग में आप अपना वाहन पार्क कर राम झूला क्रॉस करके स्वर्गाश्रम क्षेत्र के सारे आश्रम देख सकते हैं। राम झूले के पास स्थित संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर, यहाँ हर आयु वर्ग और रुचि रखने वालों के लिए कुछ न कुछ अवश्य है। चाहे आप पर्यटक हों, आध्यात्मिक अन्वेषक हों, ट्रैकर हों, शांति व ध्यान की तलाश में हों या फिर हों तीर्थयात्री। ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों का प्रवेश द्वार भी माना जा सकता है। इन चारों धामों की जानकारी देते वीडियो हम पहले ही आपके लिए ला चुके हैं, आप उन्हें भी जरूर देखें, लिंक उनके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कहा जाता है कि इस स्थान पर ध्यान लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर वर्ष यहाँ के आश्रमों में बड़ी संख्या में भारतीयों के साथ साथ विदेशी पर्यटक व तीर्थयात्री ध्यान लगाने, मन की शांति और आध्यात्मिक उपलब्धि की खोज में नियमित रूप से यहाँ पहुँचते रहते हैं। अब जानते हैं यहाँ के धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व के बारे में। ऋषिकेश से संबंधित अनेक धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकला विष शिव ने इसी स्थान पर पिया था। विष पीने के पश्चात उनका गला नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया। एक अन्य जनश्रुति के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम ने वनवास के दौरान यहाँ के जंगलों में अपना समय व्यतीत किया था। रस्सी से बना लक्ष्मण झूला एवं राम झूला इसका प्रमाण माना जाता है। 1939 ईस्वी में लक्ष्मण झूले का पुनर्निर्माण किया गया। यह भी कहा जाता है कि ऋषि रैव्य ने यहाँ ईश्वर के दर्शन के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ऋषिकेश के रूप में प्रकट हुए, तब से इस स्थान को ऋषिकेश नाम से जाना जाता है। राम झूला से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है लक्ष्मण झूला। गंगा नदी के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता यह झूला नगर की विशिष्ट पहचान है। पूरा पुल लोहे और रस्सियों से बना हुआ है और यह लगभग 450 फीट लंबा है और गंगा नदी से लगभग 70 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। काफी पुराना और अब अधिक भार उठाने में असमर्थ होने की वजह से प्रशासन द्वारा लक्ष्मण झूला पुल को अभी हाल में ही आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। अब जानते हैं यहाँ के दर्शनीय स्थलों के बारे में। यहाँ के कुछ दर्शनीय स्थलों के नाम और यहाँ की जा सकने वाली एक्टिविटीज आप स्क्रीन में देख रहे हैं। त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश में स्नान करने के लिए यह प्रमुख घाट है, जहाँ प्रातः काल में अनेक श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर हिंदू धर्म की तीन प्रमुख नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। इस घाट पर शाम की आरती के दौरान अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है जो आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। जब आप ऋषिकेश घूमने आए तो
विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में जरूर भाग लें। नदी में तैरते दीपकों को देखना अद्भुत आनंद का पर्याय है। ऋषिकेश का अगला आकर्षण स्वर्गाश्रम, जो स्वामी विशुद्धानंद की याद में बनवाया गया था। यह एक आध्यात्मिक आश्रम है जिसे काली कमली वाले बाबा के आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे हमेशा काले रंग का कंबल ओढ़े रहते थे। राम झूला और लक्ष्मण झूला के बीच स्थित भारत का यह सबसे पुराना आश्रम है और ऋषिकेश के महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थलों में से एक है। ऋषिकेश का एक और आकर्षण राम झूला पुल, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। राम झूला लगभग 229 मीटर लंबा ब्रिज है जो मुनि की रेती और स्वर्गाश्रम क्षेत्र को कनेक्ट करता है। जब भी आप इस पुल में चलते हैं तो आपको एडवेंचर करने का एहसास सा होता है। इस छोर से उस ओर जाने के लिए श्रद्धालु या स्थानीय और पर्यटक पैदल चल के या टू व्हीलर्स के द्वारा इस पुल को पार करते हैं। नदी की दूसरी तरफ स्वर्ग आश्रम क्षेत्र और गंगा नदी के किनारे घाट दिखाई दे रहे हैं। इस छोर से उस ओर जाने के लिए आप राम झूला ब्रिज के अलावा यहां नियमित अंतराल पर चलती बोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नदी के किनारे बोट स्टैंड से लगे टिकट काउंटर पर टिकट खरीदना होता है, जिसका मौजूदा किराया एक ओर का 10 रुपया और आने जाने दोनों ओर का मिलाकर 15 रुपये प्रति व्यक्ति है। एक बार आप टिकट लेने पर स्वर्गाश्रम क्षेत्र में कितना ही वक्त गुजार कर सेम डे वहां उपलब्ध किसी भी बोट द्वारा वापसी भी कर सकते हैं। परमार्थ निकेतन घाट, गंगा नदी के किनारे और आश्रम के सामने घाट जहां प्रतिदिन शाम को संध्या आरती होती है। यह एक ऐसी जगह है जहां आपका मन आसानी से नहीं भरेगा, जहां आप सब कुछ अपनी यादों और मन में समेट लेना चाहेंगे। यहां गंगा नदी के किनारे घाटों में बैठकर आप अपने दिन के कई घंटों को कुछ क्रिएटिव सोच यूं ही बिता सकते हैं। सामने बहती हवा, गंगा की कलकल करती आवाज और लहरों की उछाल आपके मन को सम्मोहित कर देती है। यह है स्वर्गाश्रम क्षेत्र में स्थित कई आश्रमों में से एक परमार्थ निकेतन आश्रम का प्रवेश द्वार। आश्रम के आसपास हस्तशिल्प के सामान की बहुत सी दुकानें हैं। यह है आश्रम परिसर। स्वामी विशुद्धानंद द्वारा स्थापित यह आश्रम ऋषिकेश का सबसे प्राचीन आश्रम है। यहाँ का साफ सुथरा और हरा भरा परिसर आपके मन को प्रफुल्लित कर देता है। आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही आपको एक दिव्य अनुभूति और शांति का एहसास होता है। स्वर्गाश्रम क्षेत्र में स्थित हर तरह के सामान से संबंधित दुकानें, जिनमें रेस्टोरेंट, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, बुक शॉप्स आदि प्रमुख हैं, यहाँ मिल जाती हैं। यहाँ खाने पीने हेतु अनेक रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं, जहाँ केवल वेजिटेरियन मील ही परोसा जाता है। ऋषिकेश के आकर्षणों में से अगला आकर्षण नीलकंठ महादेव मंदिर। लगभग 5,500 फीट की ऊंचाई पर स्वर्गाश्रम की पहाड़ी की चोटी पर नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया था। विषपान के बाद विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया था, जिससे उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया। ऋषिकेश का एक अन्य आकर्षण है भरत मंदिर, जिसे 12वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था। भगवान राम के छोटे भाई भरत को समर्पित यह मंदिर त्रिवेणी घाट के निकट ओल्ड टाउन में स्थित है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रखा गया श्रीयंत्र भी यहाँ देखा जा सकता है। लक्ष्मण झूले को पार करते ही कैलाश निकेतन मंदिर है। इस मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। ये मंदिर 13 मंजिला है। यहाँ से नदी और लक्ष्मण झूले का व्यू काफी खूबसूरत दिखता है। ऋषिकेश का एक और आकर्षण वशिष्ठ गुफा। ऋषिकेश शहर से 22 किलोमीटर की दूरी पर 3000 साल पुरानी वशिष्ठ गुफा बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर स्थित है। गुफा के भीतर एक शिवलिंग भी स्थापित है। वशिष्ठ गुफा में कई साधुओं को ध्यानमग्न मुद्रा में देखा जा सकता है। कहा जाता है यह भगवान राम और
अन्य कई राजाओं के पुरोहित गुरु वशिष्ठ का निवास स्थल था। ऋषिकेश का एक अन्य आकर्षण गीता भवन। रामझूला पार करते ही गीता भवन है, जिसे सन 1950 ईस्वी में श्री जयदयाल गोयनका जी ने बनवाया था। यह अपनी दर्शनीय दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रामायण और महाभारत के चित्रों से सजी दीवारें इस स्थान को आकर्षक बनाती हैं। यहाँ एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और गीता प्रेस गोरखपुर की एक शाखा भी है, जहाँ अध्यात्म से जुड़ी किताबें आप अपने रुचि के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। प्रवचन और कीर्तन मंदिर में की जाने वाली नियमित क्रियाएं हैं। शाम को यहाँ भक्ति संगीत का आनंद लिया जा सकता है। तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए यहाँ सैकड़ों कमरे बने हैं। ऋषिकुंड। ऋषिकुंड एक प्राकृतिक गर्म जल का तालाब है, जिसे शहर में एक पवित्र जल निकाय माना जाता है। मान्यता है कि यमुना नदी के आशीर्वाद के बाद एक ऋषि ने इस तालाब को पानी से भरा था। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान इस कुंड में स्नान किया था। अब जानते हैं ऋषिकेश में की जा सकने वाली एक्टिविटीज के बारे में। ऋषिकेश एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए एक तीर्थ स्थान की तरह है, क्योंकि यहाँ एक ही जगह आपको कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज के ऑप्शन मिल जाते हैं। रिवर राफ्टिंग। अगर आपको एडवेंचर पसंद है और लहरों के साथ तेज रफ्तार को महसूस करना चाहते हैं, तो आप ऋषिकेश में राफ्टिंग का आनंद उठा सकते हैं। ऋषिकेश में विशेष रूप से राफ्टिंग करने के लिए भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। यदि आप स्ट्रेस फ्री आउटिंग चाहते हैं, तो आपके भोजन और राफ्टिंग की व्यवस्था संचालकों द्वारा की जाती है। यहाँ कुछ टूर ऑपरेटर्स एडवेंचर एक्टिविटीज का पैकेज आदि भी डील करते हैं। यदि आप स्वयं व्यवस्था करना चाहते हैं, तो उसके भी यहाँ कई विकल्प मौजूद हैं। पीक सीजन में ऋषिकेश में राफ्टिंग के लिए काफी भीड़ देखी जा सकती है। स्क्रीन में आप इन एडवेंचर एक्टिविटीज में से कुछ के चार्जेस देख रहे हैं। ऋषिकेश में एडवेंचर एक्टिविटीज हेतु बंजी जंपिंग। खतरों से खेलने का शौक रखने वालों के बीच यहाँ की बंजी जंपिंग सबसे अधिक लोकप्रिय है। आपको यहाँ पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है और बंजी जंपिंग करने के लिए बस हिम्मत की जरूरत होती है, लेकिन इसका रोमांच ही अलग होता है। बंजी जंपिंग स्टॉप मुख्य शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यह आपके जीवन का सबसे रोमांचक अनुभव साबित हो सकता है। हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच नियमित बस सेवा सुचारू है। पर्यटक चाहें तो हरिद्वार से ऋषिकेश ट्रेन के जरिए भी आ सकते हैं। हर साल ऋषिकेश में लाखों लोग योग सीखने पहुंचते हैं। प्रतिवर्ष सावन माह में कांवर यात्रा होने की वजह से आपको हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग में ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। आप जानते हैं यहाँ कैसे पहुँचें। कुछ प्रमुख स्थानों से ऋषिकेश की दूरी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ऋषिकेश आप वायु, सड़क या रेल मार्ग द्वारा पहुँच सकते हैं। वायु मार्ग, ऋषिकेश से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून के निकट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट है। एयर इंडिया एवं स्पाइस जेट की फ्लाइट्स इस एयरपोर्ट से दिल्ली को जोड़ती हैं। रेल मार्ग, ऋषिकेश का नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश में ही है, जो मुख्य शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ऋषिकेश देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग द्वारा दिल्ली की कश्मीरी गेट से ऋषिकेश के लिए डिलक्स और निजी बसों की व्यवस्था है। उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बसें नियमित रूप से देश और उत्तराखंड के अनेक शहरों से ऋषिकेश के लिए चलती रहती है। अब जानते हैं ऋषिकेश आने के बाद क्या खरीदारी की जा सकती है। ऋषिकेश में हस्तशिल्प का सामान अनेक छोटी दुकानों से खरीदा जा सकता है। यहाँ अनेक दुकानें हैं जहाँ से साड़ियाँ, बेड कवर, हैंडलूम फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक आदि की खरीदारी की जा सकती है। ऋषिकेश में सरकारी मान्यता प्राप्त हैंडलूम शॉप, खादी भंडार, गढ़वाल वूल और क्राफ्ट की बहुत सी दुकानें हैं जहाँ से उच्च कोटि का सामान खरीदा जा सकता है। इसके साथ साथ ही धार्मिक महत्व की भी कई चीज़ें जैसे मूर्तियाँ, ब्रेसलेट, ताबीज आदि आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अब जानते हैं यहाँ रात्रि विश्राम करने के उपलब्ध विकल्पों के बारे में। गर्मियों की छुट्टियों में अधिकतर लोग हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने आते हैं, इसलिए यहाँ पीक सीजन में होटल के कमरे महंगे मिलते हैं। यहाँ मौजूद होटल्स के साथ साथ कई आश्रम भी आपको उपलब्ध हो जाते हैं, जहाँ आपको काफ़ी कम कीमतों में कमरे उपलब्ध हो जाएंगे। कुछ आश्रमों में आप पहले भी बुकिंग करा सकते हैं।
आश्रमों में बुकिंग कराने के लिए बेहतर यह होगा कि आप घूमने की तारीख से यहाँ पहुँचने के 10 से 15 दिन पहले ईमेल और फ़ोन पर कमरे बुक कर लें। हाँ, पर कई आश्रमों में रहने के लिए आपको यहाँ के मैनेजमेंट द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होता है। इन आश्रमों में रुकने के लिए किसी भी असुविधा से बचने के लिए आप अपने साथ स्लीपिंग बैग और कुछ बर्तन आदि ले आएँ तो बेहतर होगा। ऋषिकेश में दिन भर घूमने के बाद आपको थकान और भूख लगना स्वाभाविक है, तो यहाँ मौजूद हर बजट के और हर तरह के वेजिटेरियन मील्स उपलब्ध कराते रेस्टोरेंट्स आपकी दोनों ज़रूरतें, थकान उतारने और भूख मिटाने की, पूरी कर देते हैं। ये ऋषिकेश की पहचान बन चुका चोटी वाला रेस्टोरेंट और यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए एक सेल्फी पॉइंट। उम्मीद है आपको हमारी टीम द्वारा किया गया ये प्रयास पसंद आया होगा। अपने कमेंट द्वारा जरूर बताएं। आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए पॉपकॉर्न ट्रिप चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन में भी क्लिक कर लें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होने पर आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। फिर भेंट होगी एक और नए स्थान की या एक नई यात्रा की जानकारी देते वीडियो में। धन्यवाद।